हेलो गाइस, कैसे हो? तो दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सच पढ़ा कि अब दोस्तों इंडियन पासपोर्ट का शुद्धिकरण होगा। प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसे झूठ न्यूज़ फेक न्यूज़ समझकर इग्नोर नहीं करना, क्योंकि आप लोग भी शायद थोड़ा दिन पहले ये अपडेट सुना था। क्योंकि दोस्तों 3 साल से ये अपडेट चल रहा है, इंडियन गवर्नमेंट 3 साल से इस पर दोस्तों काम करने के लिए सोच रही है, बट फाइनली दोस्तों 2023 से स्टार्ट होगा। प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आपसे बात करने वाला हूँ, तो 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट क्या है। अपडेट ये है दोस्तों, आप लोग भी देखा होगा कि जो भी बड़े बड़े कंट्रियाँ हैं, जैसे यूए का भी आप पासपोर्ट देख लो, या फिर अमेरिका का देख लो, लंदन का, जितने भी बड़े बड़े जो कंट्री है, वो अपने पासपोर्ट में आप देखोगे ऊपर में चिप्स लगा होता है। जैसे हमारे सिम का चिप्स होता है दोस्तों, उसी तरह उसमें भी चिप्स लगा होता है। तो वो लोग कहीं पर भी जाते हैं, मान लीजिए कहीं कोई भी एयरपोर्ट पर जाते हैं, तो उन लोग को मतलब अच्छे से स्कैन हो जाता है, उन लोग को प्रॉब्लम नहीं होता, और वो पासपोर्ट को वैल्यूएशन ज़्यादा मिलता है क्योंकि टेक्नोलॉजी से फुल होता है। बट हम लोग के अभी इंडियन पासपोर्ट में आप लोग देखता होगा कि हम लोग कहीं भी जाते हैं तो लोग नाम टाइपिंग करो या स्कैनिंग करके मशीन पर स्कैनिंग करता है, तो हम लोग का पासपोर्ट का उतना मतलब वैल्यूएशन नहीं मिल पाता है। इसलिए दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट 2021 में ये लागू करने वाली थी कि जो भी पासपोर्ट बनेगा वो चिप्स वाला बनेगा। फिर कोविड आ गया, फिर 22 में भी कोविड आ गया, बट फाइनली दोस्तों 2023 में ये सिस्टम चालू हो जाएगा। मगर देखते हैं कि क्या होता है दोस्तों। गवर्नमेंट तो ऐसा अप्रूवल दिया है क्योंकि 2023 में जनवरी से ये लागू हो जाएगा जो शुद्धिकरण वाला। बट दोस्तों पुराने पासपोर्ट के बारे में लोग को अभी डिटेल नहीं बताया है। इनकेस मैं अपने सजेशन के लिए बोल सकता हूँ दोस्तों कि इनकेस अगर इंडियन गवर्नमेंट ऐसा भी कर सकते कि पुराने पासपोर्ट जो भी रिन्यूअल कराने जाएगा उसे भी चिप्स वाला शायद बनाने का कोशिश करें, या जो फॉरेन कंट्री में रहते हैं उन लोगों को भी बोल दिया जाए कि अपने एम्बेसी में संपर्क करके आप वहाँ पे अपना पासपोर्ट रिन्यूअल करा लो। तो उसके लिए दोस्तों आपको पुराने वाला डॉक्यूमेंट लग सकता है। तो जो भी पासपोर्ट आप बनवाए हो दोस्तों, जो भी पुराने पासपोर्ट है, मतलब जो पुराना डॉक्यूमेंट है, वो अपने पास ज़रूर रखा करें, क्योंकि हम लोग एक बार पासपोर्ट बनवा लेते हैं फिर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट दिए है यही हम लोगों को पता नहीं होता है, और हम लोग के साथ मुसीबत आ सकता है। तो कोई भी प्रॉब्लम आने से पहले दोस्तों मैं अपने वर्कर भाई के साथ सोचता हूँ कि बात शेयर कर दूँ, ताकि आप लोग ये सब प्रॉब्लम में ना फंसे। क्योंकि जनवरी से तो पक्का दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि जो चिप्स वाला पासपोर्ट वो बनना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि कोविड भी खत्म हो गया, कोविड के चलते 2-3 साल डिले हो गया था। तो ये अपडेट था दोस्तों पासपोर्ट से रिलेटेड, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। आप लोग के पास कुछ नॉलेज है तो नीचे आप लोग जरूर कमेंट करें। चलता वीडियो में 4 अंक का कोड आएगा, उस कोड के साथ कमेंट करोगे तो मैं ज़रूर रिप्लाई देने का कोशिश करता हूँ। मिलता हूँ दोस्तों नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।